निशिकांत दुबे के पत्र पर जगदंबिका पाल अलर्ट। जगदंबिका पाल गृह मंत्रालय को लिखेंगे पत्र, सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। मामले की जांच के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा जाएगा। जेपीसी के सुझावों में एक रूपता का मामला है। निशिकांत दुबे ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका जाहिर की है। अहम जानकारी ये इस वक्त मिल रही है कि वो अब एक पत्र लिखने जा रहे हैं मामले की जांच के लिए। गृह मंत्रालय को इनकी तरफ से एक पत्र लिखा जाएगा। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो पत्र गृह मंत्रालय को जगदंबिका पाल लिखने जा रहे हैं। जेपीसी के सुझाव में एक रूपता का पूरा मामला और इसी को देखते हुए वो गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखने जा रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। निशिकांत दुबे ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका जाहिर की है और इसी को देखते हुए वो गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखेंगे। अहम जानकारी ये आप तक पहुंचा रहे हैं। निशिकांत दुबे से जुड़ी हुई जेपीसी को लेकर वो आशंका जाहिर कर रहे हैं और इसी पर वो एक पत्र लिखने जा रहे हैं, क्योंकि निशिकांत दुबे जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका जाहिर कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखेंगे, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अक्षय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय का रुख कर लेते हैं सीधा। अक्षय, निशिकांत दुबे तैयारी कर रहे हैं कि वो एक पत्र लिखे जेपीसी को लेकर गृह मंत्रालय को, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, अपडेट आपको क्या मिला है फिलहाल? देखिए आकांक्षा, जेपीसी के सदस्य भी निशिकांत दुबे हैं और निशिकांत दुबे ने एक पत्र लिखकर के जगदंबिका पाल को गंभीर आरोप उसमें लगाया है कि जिस तरह से संदेश मिले हैं, जिस तरह से मैसेज मिले हैं ईमेल के जरिए और तमाम डाक पत्र के जरिए, उसमें एकरूपता नज़र आ रही है और वो एकरूपता कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश की ओर इशारा कर रही है। उसमें उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं। अब जगदंबिका पाल जो कि जेपीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं वक्त पर, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, ये जो खबर आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर हैं, वो जल्द ही गृह मंत्रालय को पत्र लिखने जा रहे हैं कि अगर किसी तरह की साजिश है और एकरूपता जिस तरह से सामने आई है, वो एक गंभीर मसला है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। गृह मंत्रालय को जब पत्र लिखेंगे तो माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय उस पूरे मामले को लेकर के निश्चित रूप से जाँच कराएगा, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा संदेश मिले हैं और उन संदेशों में निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि एकरूपता बहुत ज़्यादा देखी जा रही है और उसको लेकर के अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि गुजरात सहित कई राज्यों में भी बीजेपी के लोगों ने वो ईमेल तमाम एक ड्राफ्ट जो दिया जाना चाहिए था वो दिया गया है, जो जिसमें कि एकरूपता है। अब साफ तौर पर है कि जो राजनीति चल रही है वो तो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर साजिश है और ड्राफ्टिंग में अगर एक ही जैसे शब्द मिलते हैं, एक ही जैसे वाक्य मिलते हैं, वो काफ़ी गंभीर मसला हो जाता है। तो ये माना जा रहा है कि अब जगदंबिका पाल इस पूरे मसले को लेकर के अलर्ट हैं, क्योंकि जेपीसी के वो चेयरमैन हैं और वक्त पर जो बोर्ड पर वक्त पर जो जेपीसी बनी है उस पूरे मसले को लेकर कई बार बैठकें हो चुकी हैं और संदेश जो मिले हैं उसके बाद अब ये पूरी जो रस्साकसी है वो शुरू हो चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि जगदंबिका पाल जल्द ही गृह मंत्रालय को पत्र लिख सकते हैं ताकि उस पूरे मसले की जाँच कराई जा सके। जगदंबिका पाल के जो सोर्सेज हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि वो जल्द ही पत्र लिखने वाले हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये मसला काफ़ी गंभीर है। अगर एक देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलत बात हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि कब तक वो पत्र लिखते हैं और क्या कुछ गृह मंत्रालय कब तक इसकी जांच की संस्तुति करता है। ठीक है अक्षय, अभी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, निशिकांत दुबे की तरफ से पत्र लिखा गया जिसको लेकर अब जगदंबिका पाल पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि वो जल्दी गृह मंत्रालय को इसके रिगार्डिंग एक पत्र भी लिखने वाले हैं।